नजर न लग जाए कदी साड़ी यारिया। वक्त ने जदों भी आजमाया यार मेरे नाल मेरे खड़े ने, जदों शूले संबंध ने नी आंदे सी उदों दे होए मेरे नाल बड़े ने। मेरे लिए नहीं मंगदा मंगदा यारा लई दुआवा, रब्बा बुरी नजरों से बचाई साड़ी यारियां, नजर न लग जाए कदी साड़ी। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से फ्रेंड के लिए ऐसी व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और एडिटिंग का चैनल बनाया है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ, इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइंड मास्टर पर क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है, इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको बैकग्राउंड में जो पिक्चर को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड कर लेती हूँ एंड इसकी साइज़ को हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग पोजीशन को ऐड कर लेंगे, तो आपको इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी ऐड है तो इसको हम लोग इक्वल रख लेते हैं एंड इसकी वाइगनेट को ऑन कर लेंगे। एंड फिर से लेयर पे क्लिक करके आपको इफ़ेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें हम लोग ब्लर वाली इफ़ेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके इसको हम लोग 4 रख लेंगे एंड इसको भी फुल वीडियो तक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, तो इसको आपको स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर को ऐड किया था, तो यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड किया है उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं एंड इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे, तो मास्क को एनेबल कर लेते हैं एंड इसमें हार्ट वाली शेप को ऐड कर लेंगे। एंड इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं एंड इस प्रोजेक्ट वाले लेयर को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इसको भी फुल वीडियो तक कर लेते हैं एंड यहाँ से बैकग्राउंड को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना, तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ एंड इस प्रोजेक्ट वाले लेयर को हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को हम लोग इस फ्रेम में रख लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉन्ग की लिरिक्स के हिसाब से पिक्चर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही ये लिरिक्स ख़त्म होगी तो यहाँ से नेक्स्ट वाले पिक्चर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं स्क्वायर में एंड फिर से इस प्रोजेक्ट वाले लेयर को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। एंड इसमें हम लोग इन एनिमेशन को ऐड करेंगे, तो इसको आपको फेड रखना है एंड इसको 1.5 सेकंड्स रख लेते हैं। तो इसी तरह से आपको पूरी वीडियो में सारी पिक्चर्स को ऐड कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलमझाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स।